का एक दुश्मन मसरत आलम जेल से रिहा हो चुका है। अब 15 और मसरत आलम जेल से बाहर आने वाले हैं। 10,000 prisoners are going to be released in Jammu Kashmir। हत्याएं करने वाले, सरहद पार से आने वाले, पत्थरबाजी के लिए भड़काने वाले जेल से बाहर आएंगे। 800 और आतंकवादी, अलगाववादी और एक मिस्टर पक्तू, उनको छोड़ने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंड कर दिया है और 1-2 दिन में वो लोग छोड़ दिए जाएंगे। लिस्ट तैयार हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 और खतरनाक चेहरे रिहा होने वाले हैं। ये तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। इस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद दर दिन एक नई हरकत देश के खिलाफ करता रहेगा। इस लिस्ट में शामिल है जमीयतुल मुजाहिदीन का चीफ मोहम्मद आशिक हुसैन पख्तू। इस लिस्ट में शामिल है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जहूर अहमद। इस लिस्ट में शामिल है जमीयतुल मुजाहिदीन का मोहम्मद शफी डार और ऐसे ही 15 नाम। एक मसरत आलम की रिहाई पर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। एक मसरत आलम खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। हम एक जायज जदोजहद कर रहे हैं रियासती जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए। एक मसरत आलम नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा जब तक हम गुलामी की जिंदगी से नजात हासिल नहीं कर रहे। जरा सोचिए, ऐसे 15 मसरत आलम जेलों से बाहर आएंगे तो क्या होगा? जिस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं ये देश के लिए घातक है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार अलगाववादियों और आतंकवादियों पर मेहरबान दिखाई दे रही है। मसरत आलम रिहा हो गया, उसकी रिहाई पर खूब सियासी घमासान भी हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर इसका कोई असर नहीं है। खबर है कि मसरत जैसे दर्जन भर से ज्यादा खतरनाक लोग आने वाले दिनों में रिहा किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार की मेहरबानी से मसरत बाहर आ चुका है। वो खुलेआम हिंदुस्तान की सरकार को चैलेंज कर रहा है, खुद को हजारों कश्मीरियों का नुमाइंदा बता रहा है और जम्मू कश्मीर की सरकार खामोश है। सिर्फ खामोश नहीं बल्कि खबर तो यह है कि मुफ्ती की मेहरबानी से मसरत जैसे 15 और खतरनाक लोग जेलों से बाहर निकलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 15 नामों की लिस्ट जम्मू कश्मीर के गृह विभाग को भेज दी गई है। इनमें से 4 पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, 4 टिम्बर स्मगलिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे, 3 की गिरफ्तारी चोरी के आरोप में हुई और 4 ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए थे। 15 ही नहीं, चर्चा तो यहां तक हो रही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रिहा करने के लिए 800 आतंकवादियों और अलगाववादियों की लिस्ट बनवाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने आज राज्यसभा में यह दावा किया। सभी जगह यह है, महामहिम राज्यपाल कश्मीर ने रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है कि 800 और आतंकवादी, अलगाववादी और एक मिस्टर पक्तू, उनको छोड़ने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंड कर दिया है और 1-2 दिन में वो लोग छोड़ दिए जाएंगे। श्रीमंतल में लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुन रहा था, राष्ट्रीयता को उन्होंने चैलेंज किया, तो राष्ट्रीयता ऐसा नहीं, हम लोगों में भी राष्ट्रीयता नहीं है। हम सब ने इस बात को कहा कि राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है। जब राष्ट्र का प्रश्न आएगा हम सब राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, हम पार्टी का हित तो छोड़ देंगे, हमने कभी इस बात को नहीं कहा। 800 आप कह रहे हैं, 800 कोई एक स्पेसिफिक केस दीजिए, उसकी हम डिटेल्स पता करके हाउस में जवाब दे देंगे, लेकिन जनरल बयान दे देना बिना किसी नाम के, बिना किसी तथ्य के। भाई कल आपने एक तथ्य पूछा, वो स्पष्ट हमने कर दिया। जिन लोगों की रिहाई की तैयारी चल रही है उनके नाम है आशिक हुसैन पख्तू। जरा इसका परिचय जान लीजिए। ये शख्स जमीयतुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर है और पिछले 22 साल से श्रीनगर की जेल में बंद है। इसे मानवाधिकार कार्यकर्ता HN वांचू की हत्या के मामले में
गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि वक्त को रिहा किया गया तो घाटी में सुरक्षा हालात बिगड़ सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को चेतावनी दी है कि फक्तू को रिहा ना किया जाए। फक्तू की रिहाई की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम घाटी के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा और इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा। फक्तू के अलावा भी मुफ्ती की लिस्ट में कई नाम है जिनमें हुखार आतंकवादी और सीमा पार करके आए पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। इस लिस्ट में नासिर अब्दुल्ला, मोहम्मद अयूब डार, मोहम्मद यासीन यातू, आसिफ हलवाई, परवेज मीर और फिरोज भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। अलगाववादियों और आतंकियों की रिहाई की इन खबरों के बाद कई नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की देशभक्ति पर सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, जो व्रत देश का गृह मंत्री बनकर अपनी बेटी के अपहरण की नाटक करके आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर सकता है, वो व्यक्ति देश का कभी सगा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या सोच के तहत वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। और हम लोग तो मांग है कि भाजपा को तुरंत समर्थन वापस करके वहाँ राजपूत शासन लगाना चाहिए, अन्यथा आतंकवादियों का गढ़ कश्मीर बन जाएगा और अशांत कश्मीर में हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा और जने कितने और किसानों के बेटे शहीद होंगे। सरकार की सहयोगी शिवसेना भी सलाह दे रही है कि बीजेपी को पीडीपी से नाता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद दर दिन एक नई हरकत देश के खिलाफ करता रहेगा तो उससे तकलीफ देश को होगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा भी उसमें धूल मिल हो सकती है। लोगों ने हमें होट दिया है कि हम बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, हम देश के दुश्मनों को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से वो मसला खत्म कर देंगे। लेकिन अब लोग सोच सकते हैं कि हमने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद की लिस्ट पर खामोश है। ना गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बोलने को तैयार है और ना ही गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, कल मैंने हाउस में ही यह बतलाया था कि मैं जो कुछ भी जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हमको जानकारी हासिल हुई है उससे मैं पूरी तरह से डिसाइड नहीं हूं, इसलिए मैंने कुछ जानकारियां उनसे हासिल की है और वह जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद ही मैं कोई कमेंट करूंगा। आई कांट कमेंट ऑन दैट। द होम मिनिस्ट्री हैज सॉट वन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर केस, मसरत द केस, only that one, you know, the situation is, you know, unclear because we have not received any further additional information. संसद में पीएम मोदी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद देशद्रोहियों के सरपरस्त बन गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की पार्टनरशिप का क्या होगा। राजनाथ सिंह की बात सुनकर तो लगता है कि बीजेपी अंदर ही अंदर बड़ा फैसला ले चुकी है। हमारे लिए सरकार हो अथवा कोई भी अलायंस की सरकार हो तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी है तो ये देश है, देश की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। सर, आप हमारे हमारे इस इंटेंशन को समझना चाहिए। एक मसरत आलम जेल से रिहा हुआ है और उसने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि मसरत जैसे 15 बाहर आएंगे तो देश की सुरक्षा का क्या होगा। जम्मू से रमन सैनी और श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर सरकार राजनीतिक बंदियों के नाम पर जिन लोगों को छोड़ने की तैयारी में है उनमें लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकी हैं, हत्या और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपी हैं। सवाल यह कि ऐसे लोगों को रिहा करके मुफ्ती सईद किसका भला कर रहा है। मसर्रत आलम की रिहाई पर संसद से लेकर सड़क तक गुस्सा दिख रहा है। आतंकवादी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खबर है कि मुफ्ती पहले ही एक दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों और अलगाववादियों को रिहा करने का हुक्म दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के चौथे ही दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डीजीपी के राजेंद्रा को आदेश दिया था कि राजनीतिक आरोपों को झेल रहे राजनीतिक बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के बाद मसरत आलम को रिहा किया गया था, जिस पर अब
सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन 15 लोगों की रिहाई की बात हो रही है उनमें सीमा पार से घुसपैठ करके आए लोग हैं, जबकि कुछ लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादी हैं। इन पर हत्या, भीड़ को भड़काने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन आरोप हैं। यही सवाल उत्पन्न होता है, इनके छोड़े जाने से किसका फायदा हो रहा है? क्या अमन और शांति का फायदा हो रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को बढ़ावा मिलेगा इससे? इससे क्या भारत का फायदा हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका ISI और जितने आतंकवादी संगठन हैं उनका फायदा हो रहा है? तो इसलिए ये बुनियादी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुफ्ती सरकार पाकिस्तान की गुजारिश मानते हुए ऐसे 15 खतरनाक लोगों को वापस पाकिस्तान को सौंपने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार के होम डिपार्टमेंट ने कई आतंकवादी और सरहद पार कर आए पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ने की हरी झंडी दे दी है। अब अधिकारी इंतजार कर रहे हैं तारीखें फाइनल होने का, जब पाकिस्तानी नागरिकों को जेलों से निकालकर बाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को दिल्ली बुलाया। मीटिंग के बाद निर्मल सिंह पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए और मसरत की रिहाई पर सवालों को टाल गए। सरकार बनने के बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर के बारे में विभिन्न जो है पक्ष के ऊपर जो इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है उसी के लिए यहाँ पर आए थे। सर, क्या सरकार से समर्थन लेने की कोई बात हुई है? सर निर्मल जी, समर्थन वापस लेने जा रहे हैं सर? सर जम्मू कश्मीर सरकार से समर्थन वापस लेने की कोई बात हुई है? जम्मू कश्मीर की सरकार स्थायी सरकार है, कोई इस प्रकार की बात? क्या मुख्यमंत्री आप समर्थन देते रहेंगे सर? मिलने के लिए आए हैं और विभिन्न